क्वांटिटी कॉन्सियस और दूसरे होते हैं क्वालिटी कॉन्सियस। क्या देंगे आप खुद ही 5,000 वाले हैं तो दूसरे को दान आप क्या देख रहे हैं। तो ABCD आप टीचिंग, तो इसमें अभी तक हम लोग ए से लेकर के ओ तक पहुंच चुके हैं और कल हमने बात की थी ओ फॉर ऑप्टिमिस्टिक, हमें ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए, हमें आशावादी होना चाहिए। तो आज हम शुरुआत करेंगे पी फॉर पैशनेट, बी पैशनेट। तो ये तो बड़ा पॉपुलर वर्ड है, पैशन होना चाहिए। आप कोई भी काम कर रहे हैं तो वो काम करने का आपका पैशन है कि नहीं है? नहीं है तो होना चाहिए। कोई भी प्रोफेशन आपने ज्वाइन किया है, आप ज्वाइन करने से पहले ही आप तय कर लो कि मुझे ज्वाइन करना है कि भी नहीं करना है। आपने जब तय किया है, टीचर आप खुद बने, आपने किसी कोई आपको पढ़ के तो नहीं लाया है कि आप टीचर बनो। जब आपको लगता है कि हाँ टीचिंग में कुछ है, मेरे लिए इंटरेस्ट की फील्ड है, तभी आप टीचिंग ज्वाइन कीजिए। और यदि आपको ऐसा लगता है कि ये मेरे लिए पैशनेट की पैशन की बात नहीं है, मेरा पैशन नहीं है, तो फिर क्यों भैया यहाँ पर नहीं रहना चाहिए उसको टीचिंग में। आपका पैशन है आप वो काम करें, आपका पैशन है आपको जो देखिए, जो व्यक्ति अपने काम को शौक बना लेता है, अपना अपने जो है इंटरेस्ट बना लेता है, अपने शौक की चीज बना लेता है, या अपने शौक को ही अपना काम बना लेता है, उस व्यक्ति को काम फिर काम नहीं लगता है, उसको फिर इंजॉयमेंट लगता है। से फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि जैसे मेरी बात कर लेता हूँ मैं, क्योंकि मैं अपने आप को अच्छे से जानता हूँ, इसलिए मैं मेरी बात कर रहा हूँ कि जैसे टीचिंग मुझे अच्छा लगता है, बड़े मजा आते हैं, मुझे शौक से पढ़ा सकता हूँ मैं, बिना फ्री पैसे में फ्री में पढ़ा सकता हूँ, पैसे की जरूरत नहीं उसमें लिए। पैसे खैर वो मिल जाए अलग बात है, मिल जाए तो अच्छी बात है, सोने पे सुहागा, लेकिन यदि फ्री में भी पढ़ाना पड़े तो मैं तैयार हूँ उसके लिए, क्योंकि मेरे लिए वो पैशन की बात है, मेरे लिए वो इंटरेस्ट की बात है, मेरे लिए मेरे हॉबी की बात है, मेरे लिए मेरे शौक की बात है। तो मैं जब भी पढ़ाता मुझे ऐसा लग रहा है कि यार पैसे तो फोकट के ही मिल रहे हैं, ये तो मेरा शौक पूरा हो रहा है और पैसे जो है एक्स्ट्रा ही मिल रहा है। तो आपको जो है तभी तो आप आगे उस चीज में आगे बढ़ पाएंगे। आपकी ग्रोथ ही बाकी आपके जुड़े हुए लोगों की ग्रोथ है, आपकी ग्रोथ ही आपके जुड़े हुए लोगों की ग्रोथ है। आप खुद आगे नहीं बढ़ेंगे तो दूसरों को क्या आगे बढ़ाएंगे। देखिए एक चीज हम आमतौर पर ऑब्जर्व करते हैं कि जो बेचारा गरीब होगा, जो दुखी होगा, है ना, जिसके पास कुछ नहीं होगा, वो हमारा दर्द समझेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आपने कभी किसी भिखारी को देखा है दूसरे भिखारी को भीख देते हुए? देखा आपने? आपने देखा है? कभी नहीं देखा होगा। एक जिसके पास है वही दे पाएगा, भिखारी को भीख कौन देगा? जिसके पास है वही देगा, भिखारी दूसरे को भिखारी को भीख नहीं देता, और बल्कि उसे छीन लेगा वो। तो हम यदि किसी को कुछ देना चाहते हैं तो उसके लिए हमें खुद को धनवान बनना पड़ेगा। अब धनवान आप मॉनेटरी टर्म की बात नहीं कर रहा हूं, हमारे पास धन के तौर पे क्या है? ज्ञान है। और जब खुद के पास ज्ञान नहीं होगा तो क्या करोगे? दूसरों से छीनोगे। देना है तो खुद के पास खूब होना चाहिए। जो ₹500 कमाता है वो ₹500 दान दे सकता है आसानी से, जो 5,000 कमा रहा है वो ₹500 दान दे सकता है, जो 5,00,000 कमा रहा है वो 5,000 भी दान दे सकता है, 50,000 भी दान दे सकता है, ये 5 करोड़ कमा रहा है वो 50,00,000 दे दे 50,000 दे सकता है। पर लेकिन आप ऐसा करें कि जो 5,000 कमा रहा है वो 5,000 भी दान दे देगा, कैसे देगा? राइट है। तो जैसे आपको ही लिमिटेड ज्ञान है, आपको ही बहुत कुछ पता, लिमिटेड पता उस चैप्टर के बारे में, उतना ही पता है जितना इस किताब में लिखा हुआ है, तो बच्चे को आप क्या देंगे? आप खुद ही 5,000 वाले हैं तो दूसरे को दान आप क्या देंगे? तो आपको ज्यादा पैशनेट होने के लिए ज्यादा आपके पास नॉलेज होना चाहिए, और जब पैशनेट होंगे तो ऑटोमेटिक नॉलेज भी आएगा ही सही। देखिए दो चीज होती है, एक होती है विलिंगनेस, दूसरी चीज होती है एबिलिटी। एक चीज क्या होती है? विलिंगनेस। दूसरी क्या होती है? एबिलिटी। कोई भी काम करने के लिए दो चीज चाहिए रहती है, एक विलिंगनेस और दूसरी एबिलिटी। विलिंगनेस यदि आपके पास है, इच्छा आपके पास है, तो एबिलिटी गेन भी की जा सकती है, पर इच्छा ही नहीं है तो एबिलिटी है तो वाली बात आती ही नहीं है। एबिलिटी चाहिए जरूरी बात है, लेकिन सबसे पहली चीज की क्या है? विलिंगनेस है। तो पैशन इज ऑल अबाउट विलिंगनेस टू वर्क या विलिंगनेस टू डू द थिंग्स विच यू वुड लाइक टू डू। खैर आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है क्यू, क्यू फॉर क्वालिटी कॉन्सियस। क्या होना चाहिए? क्वालिटी कॉन्सियस। दो टाइप के लोग होते हैं, एक होते हैं क्वांटिटी कॉन्सियस
और दूसरे होते हैं क्वालिटी कॉन्शियस, क्वांटिटी कॉन्शियस. इट मीन्स मैंने 3 चैप्टर पढ़ा दिए हैं. क्वालिटी कॉन्शियस, मैंने बच्चों को ये चीज़ें सिखा दी है, बच्चे इतना सीख चुके हैं. क्वालिटी है, आपने एक चीज़ बताई उसको अलग अलग तरीके से, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आपने समझाई और बच्चे सीख गए, ये आपकी क्वालिटी है. आपने मैंने इतना सब कुछ पढ़ा दिया है और इतना सब कुछ पढ़ा दिया और बच्चों को आया समझ में कुछ भी नहीं, 0/0 बच्चे, तो वो फिर आप क्या हुए, क्वांटिटी कॉन्शियस हुए. कैसे जल्दी सिलेबस कंप्लीट करूं, कैसे बस पीछा छुड़ाऊं, कैसे मैं कॉपी चेक करना है धड़ 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 मैं कॉपी चेक करूं और मैं कैसे काम कंप्लीट करूं. इसकी बजाय काम तो कंप्लीट तो दोनों नहीं करना है, टाइमिंग का तो है ही सही, लेकिन टाइमिंग के साथ में चीज़ों में क्वालिटी आना बहुत ज़रूरी है. राइट है करूँगे. तो आपने, आपको मोर जो है क्वांटिटी कॉन्शियस होना चाहिए और लेस जो है आपको मोर आपको क्वालिटी कॉन्शियस होना चाहिए और लेस आपको क्वांटिटी कॉन्शियस होना चाहिए. सिर्फ पूरा करना हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, वो उसको अच्छे से पूरा करना